महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोशवाई ने कहा, भाजपा के राज में हर तरफ विकास हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हर गांव को सड़क से जोड़ा तो मोदी अब देश भूमि का विकास कर रही है। भीमताल पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पहली बार भवाली भीमताल के दौरे पर पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से हर गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से चार धाम में काम चल रहा है। अल्मोड़ा से आगे भी नेशनल हाईवे बन रहा है। हमारे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार की ओर से 90% तक सहायता मिल रही है। लोगों को सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से चार धाम बन रहा है। कैलाश के लिए सुंदर मार्ग बन गया है। अनेक मार्ग अच्छे बन रहे हैं। हमारे हल्द्वानी से लेकर के अल्मोड़ा और वहाँ आगे तक के लिए भी नेशनल हाईवे बन रहा है। अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं और मेरा ये विश्वास है कि हमारे लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। सरकार की ओर से 80% 90% तक सहायता मिल रही है। उसका उपयोग करके हम स्वावलंबी बने, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें तो वास्तव में उत्तराखंड स्वावलंबी होगा और आत्मनिर्भर बनेगा। इसी निवेदन करने के लिए मैं आया यार। अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।